हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शवाल खान। और गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मुझसे रिलेटेड, कि जब मैं जर्मनी आया मेरा डिग्री प्रोग्राम था मीडिया टेक्नोलॉजी, और उसके बाद मैंने अपना डिग्री प्रोग्राम चेंज कर लिया। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपना जो डिग्री प्रोग्राम है वो चेंज किया और क्यों चेंज किया। गाइज, सीन कुछ इस तरह से था कि जब मैं जर्मनी आया तो मेरा जो एडमिशन था वो था, एक डिग्री थी जिसका नाम है मीडिया टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर मेरी कंडीशंस लगी हुई थी। यहाँ पर आने की खुशी तो बहुत थी, उसी डिग्री को लेकर मैं आ गया। और यहाँ पर आने के बाद मीडिया टेक्नोलॉजी बड़ा क्रेज़ था कि यार उसमें कैमराज होंगे, वीडियो प्रोडक्शन होगी, बड़ी इस तरह की चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होगी। लेकिन जब डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुई और उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, वो उसके अंदर कंडीशन थी कि यार ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये आपके ट्रांसक्रिप्ट के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट्स को पास करना ज़रूरी है। तो सीन कुछ इस तरह से हुआ उसके अंदर कि जब उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि यार ये तो हमें इतना बेस से पढ़ा रहे हैं कि यार कितना टाइम लगेगा मुझे, जो मैं सोच कर आया था कि यार कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर जाएंगे, वीडियो प्रोडक्शन के अंदर, वीडियो मेकिंग के अंदर, और इस तरह की नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो वो सीन नज़र नहीं आया। वही पुरानी पाइथन प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर, वही कोडिंग, वही सारा कुछ, वही बेसिक्स, वही किताबी बातें सारी। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या सीन हुआ कि मतलब जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए किसी चीज़ के अंदर, जो आप चाह रहे हो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, वो स्टडीज़ नहीं मिल रही आपको, तो आप लोग इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि यार कंप्यूटर से रिलेटेड और कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो उसके अंदर एक फील्ड थी रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। अब ये भी एक थ्रेटिकल डिग्री है, इसके अंदर भी जो है जो कंप्यूटर साइंस, जो लोग जिन्होंने का बैकग्राउंड होता है वो जब इसके अंदर एडमिशन लेते हैं तो सेम वही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर साइंस वाले, इसको आप MScS भी कह सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस भी कह सकते हैं आपको। लेकिन जर्मनी के अंदर इसका जो नाम था वो था रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। अब इस डिग्री के अंदर इंटरेस्ट लेने की वजह ये थी मेरी कि यार इसके अंदर मतलब थ्योरेटिकल कोर्स था, वही मेरे प्रीवियस सब्जेक्ट्स थे सारे, रिसर्च वर्क था, ये एक रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है, तो इसके अंदर भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने इसके जब कोर्स वर्क को देखा, इसकी सारी चीज़ों को देखा कि इसमें इंटर्नशिप कब है, इसके अंदर थीसिस किस तरह से है, सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब मुझे लेना था इसके अंदर एडमिशन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए फिर क्या हुआ कि पहले तो मुझे लगा कि यार मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर इसी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा एडमिशन है, तो बहुत ईजीली मतलब मैं इसके अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपको एडमिशन प्रोसेस वही है जैसे आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी दूसरे कंट्री से अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए फिर क्या सीन हुआ कि मैंने दोबारा से यहाँ पर रहते हुए उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया, और यूनिवर्सिटी को मैं मेल्स करता रहा गाए बगाए कि यार मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इसी सेमेस्टर के अंदर उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर जाना है। यूनिवर्सिटी ने प्रायोरिटी बेस रखते हुए मेरा एडमिशन करवा दिया उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर, और फाइनली फिर मैंने उसी सेमेस्टर के अंदर अपनी डिग्री को, मीडिया टेक्नोलॉजी थी जो, उसको छोड़ दिया, और जो मेरी दूसरी डिग्री थी रिसर्च इन कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग उसके अंदर मैं दाखिल हो गया, एंटर हो गया। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यार बहुत क्विक वे में सारा काम हो गया, बहुत स्पीड से हो गया। अगर मैं शायद पाकिस्तान होता और दोबारा से अप्लाई करता तो इतना वो मुझे सीरियस ना लेते, मेरे सारे जो एक मेरा सारे इस प्रोसेस को इतना वो शायद फास्ट ना करते। लेकिन उसकी सारी वजह यही थी कि मैं यहाँ पर था और इन्हें गाए बगाए मैं बता रहा था कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप एज सून एज़ पॉसिबल मेरा जो एडमिशन है वो इस डिग्री से इस डिग्री के अंदर कर दें। फाइनली वो हो गया मेरा, और अब मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे इल्मिनाओ के अंदर रिसर्च एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम इंजीनियरिंग का। जो लोग जर्मनी में हैं और अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से, तो आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए, सारी चीज़ों को दोबारा से देखना पड़ता है, दोबारा से आप लोगों को पूरा प्रोसेस अगेन रिपीट करना पड़ता है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शवाल भाई आपने किस तरह से डिग्री चेंज की, अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो यार उसका तरीका वही है कि आपको ज़ीरो से दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, और बहुत आसान होता है। अगर आपका एक बार एडमिशन हो चुका हुआ है जर्मनी के किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको पता होता है कि यार आपको किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है और कितना फास्ट आप ट्रैक पे चल सकते हैं और लोग एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को मेल करनी है, कब कब उनको बताना है कि यार आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और फॉलोअप करनी है अपनी एप्लीकेशन को।
छोटी सी वीडियो थी इसी टॉपिक के ऊपर कि क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा यार इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए कि कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, आप लोगों को फिर से दोबारा से ही अप्लाई करना पड़ता है। सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और दूसरों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।